माय गॉड, सीरियसली, ये वॉन्ड की वजह से ही इसका नाम स्काई हाई डाला गया है। हाय एवरीवन, लेट मी गिव यू माय क्विक इंट्रो। माय नेम इज शगुन खजूरिया एंड आई एम फ्रॉम जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। पर्पल पे होली लाइफ सेल चल रहा है फ्रॉम 20th to 27th of March। तो सेल को देखते हुए मैंने कुछ आइटम्स मंगवाई हैं। वैसे मोस्टली जब भी कोई ऑनलाइन सेल लगती है मैं तभी अपनी आइटम्स मंगवाती हूँ। सो वन बाय वन करके देखते हैं कि मैंने क्या चीज़ मंगवाई है। बिना रिव्यू देखे मैं कोई भी आइटम अपना नहीं मंगवाती हूँ, चाहे वो स्किन केयर हो या चाहे वो कोई मेकअप प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज़ हो। एंड दिस आइटम जो मैंने मंगवाया है ये बहुत ही वायरल गया है पिछले कुछ दिनों। इसके लिए अभी मैं लेट हूँ लेकिन फिर भी मैंने मंगवाया है। ये जो आइटम है ये मैं वीडियो के एंड तक दिखाऊंगी, सो प्लीज मेक श्योर यू कैन सी माय फुल वीडियो टिल एंड। माय फर्स्ट आइटम इज दिस डॉट एंड की ग्लॉस बॉस लिप बाम, विच इज एन SPF 30, विटामिन सी प्लस ई, एंड इट्स नेम इज कैरमल किस। लिप ग्लॉस मेरे पास कुछ था नहीं, ये डॉट एंड की का मैंने मंगवा लिया। तो अंदर से ये जो बॉटल है इट्स लाइक दिस, ये ऐसी है। एंड इसे ना मैंने यूज भी कर लिया है, लेट मी शो यू कि ये है कैसा। बिगनिंग ऑफ द वीडियो में मैंने इसे अप्लाई किया अपने लिप्स पे। इट लुक्स लाइक कि ये काफ़ी डार्क पिगमेंटेड शेड है, बट मैंने इसे अभी अप्लाई किया है। आई थिंक इट इज लिटल, यू नो, 1% टिंटेड, नॉट मच, बिकॉज लुक एट दिस। मैंने इसे अप्लाई किया एंड इट इज़ गिविंग मी जीरो कलरेशन। मैं इसे एक बार फिर अप्लाई करती हूँ, ये देखिए, लुक एट दिस, इट इज़ गिविंग अ जीरो कलर। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस कैरमल शेड खुशबू दे रहा है लाइक कॉफ़ी प्लस जो इक्लेयर्स टॉफी नहीं होती है, बस उसका स्मेल दे रहा है, बट नॉट स्ट्रॉन्ग इन अ लाइट फॉर्म। जिनको कैरमलाइज चीज़ें पसंद है दे कैन श्योरली लाइक दिस बाम। माय नेक्स्ट आइटम इज दिस फ्लफी ब्रश, यू कैन अप्लाई इट एनी वेयर। आप अपने चिक्स पे स्पेशली इसे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज नॉट एनी फाउंडेशन ब्रश, ब्लश और यू नो लिटल बिट ऑफ कॉन्टोरिंग यू कैन डू। एंड अगर आपको अच्छे से स्मज करनी है कोई चीज़ तो यू कैन अप्लाई इट। एंड ये ब्रश मैंने ऑलरेडी अपने एक शॉर्ट्स में यूज़ भी कर लिया है। इट इज़ वेरी कुशनी, यू नो, लुक एट दिस हाउ सॉफ्ट इट इज़, लाइक अ कॉटन। तो ये एक सिंगल ब्रश था जो मैंने मंगवा लिया है। सो नेक्स्ट मैंने मंगवाया है दिस फॉल्स आई लैशेज। फॉल्स आई लैशेज कभी भी मैंने अपने आई पे ट्राई नहीं किया एंड आई डोंट नो हाउ टू स्टिक इट ऑन योर लैशेज। मैं सिर्फ मस्कारा ही यूज़ करती हूँ। दीज आर दी फॉल्स आई लैशेज एंड इसके साथ ये एक आई लैश ग्लू, ये भी इन्होंने दिया है। सो इसे मैं यूज़ करूँगी श्योरली। आई हैव ओनली जस्ट ट्राई दिस डॉट एंड की कैरमल किस लिप बाम। क्या हो रहा है, इट इज़ गिविंग मी, एंड यू नो इससे मेरी टंग कड़वी हो गई है। मतलब मेरा जो माउथ है ना, लिटरली लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई कड़वी चीज़ खा ली है एंड मेरा ना सारा मेरा टंग एंड लाइक यहाँ से ना मुझे कड़वा महसूस हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि दिस पर्टिकुलर लिप ग्लॉस इज़ नॉट सूटिंग मी। किसी ने भी ये चीज़ मैंशन नहीं की है कि ये जो डॉट एंड की का लिप ग्लॉस है ये आपको कड़वापन देता है, बट इट इज़ गिविंग मी, मेरा पूरा माउथ कड़वा हो चुका है इस टाइम पे। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट माई टाइप, आई डोंट नो वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। और इसमें लिखा है दिस इज़ वीगन एंड टिंटेड, टिंटेड लिखा है बट इसमें टिंटेड है ही नहीं, एंड इसमें वीगन भी लिखा हुआ है। आई डोंट नो क्या इसमें मिक्सचर है, क्या फॉर्मूला है इनका। इज अ थम्स डाउन, डॉट एंड की का सनस्क्रीन अच्छा है बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। मे बी ये किसी और के लिए अच्छा हो बट नॉट फॉर मी। ओके, नेक्स्ट आइटम आई ऑर्डर दिस प्योर बॉडी वॉश इन एलोवेरा फॉर्म। सो यू कैन लुक दिस होल बॉटल, इट इज़ अ वेरी बिग बॉटल एंड दिस इज़ अ बॉडी वॉश स्पेसिफिकली। सो नेक्स्ट आइटम मैंने मंगवाया है बॉडी शेव। इसमें है पीसीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पीसीज हैं। यू कैन रिमूव यूअर अनवॉन्टेड हेयर लाइक अंडर आर्म्स के या आर्म, अपनी आर्म के। देन माई नेक्स्ट आइटम विच आई ऑर्डर
is this two facial kits. One is from Good Vibes. This is basically facial kit. देखा जाए तो इसमें ये basically four tubes हैं, ठीक है? तो ये step by step follow करना पड़ेगा. Step one पे हमें cleanser मिलेगा, step two पे हमें scrub मिलेगा, step three में हमें massage cream मिलेगी and step four में हमें face pack मिलेगा. And next जो facial kit मैंने मंगवाई है ये बेसिकली है नेचर्स एसेंस की एंड इज अ ब्राइटनिंग डायमंड फेशियल किट. इसमें भी चार पाउच सेशे हैं बेसिकली. फर्स्ट है क्लेंस, देन नरिश पॉलिश एंड देन उसके बाद आपका यू नो वो क्या बोलते हैं पॉलिश क्रीम है बेसिकली. स्किन पे क्या हो जाता है, डेड स्किन हो जाती है अगर आप उसको प्रॉपर से ऐसा कोई स्क्रबिंग वगैरह नहीं करते. पुराने ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ें नेचुरल वे से किया जाता था, लेकिन अभी कोई रेयर ही होगा जो कर रहा होगा. बट मुझे लगता है वो बेस्ट वे था, बट इन्हें भी एक चांस दे दिया जाए इन प्रोडक्ट्स को. सो हियर माय नेक्स्ट आइटम इज दिस गुड वाइब्स की फेस क्रीम है इज एन ऑलिव फॉर्म. एंड इसका ना एक्चुअली मैंने पिक्चर देखी थी, मुझे पता नहीं है कि अंदर से कैसी है दिखने में, बट मुझे लगता है आई थिंक इट इज़ इन ग्रीन कलर जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था. आई मीन प्रोडक्ट्स का भी यूज़ किए नहीं, बट देख के आप जब पिक्चर देखते हैं तो वो आपको ना काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं. तो लेट्स सी ये वही ग्रीन कलर का है या समथिंग एल्स है. या एग्जैक्टली ये ग्रीन कलर का है. दिस स्मेल्स गुड ऑल्सो, मतलब बहुत ही सूदिंग, कोई एक्स्ट्रा नहीं है. एंड दिस कैरमल लिप ग्लॉस विच आई अप्लाइड इज़ पैथेटिक, मतलब मेरा मुंह बहुत कड़वा हो गया है. अब जब मैं इसे रिमूव करूँगी ना, ये पता नहीं उसके बाद भी एक दो घंटे के बाद ही जाएगा, और मीठा भी नहीं खाऊंगी, ये आहिस्ता आहिस्ता ही जाएंगे. आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट. एज अ रिव्यू मैंने आज तक देखा नहीं है कि समवन इज़ अप्लाइंग द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड गिविंग द एक्चुअल रिव्यू भाई, कि सच में कि ये अप्लाई हमने किया एंड इससे हमें ये साइड इफेक्ट हो रहा है. हो सकता है मेरा लिप इसमें प्लम हो जाए, बट मेरा माउथ के अंदर जो मेरा कड़वापन आ रहा है वो कौन ठीक करेगा भाई? मुझे नहीं पता कि ये डॉट एंड केक लिप बम ऐसा ही होता है या सिर्फ जो कैरमल केस है उसका असर. आई डोंट नो, बट ये शेड मैं नहीं मंगवाऊंगी नेक्स्ट टाइम. एंड मैं इसे अप्लाई भी नहीं कर सकती, देखती हूँ लेट्स जस्ट सी कि मैं शायद दे दूँ किसी को. सबसे पहले तो ये एन बाय बे का 4-in-1 ब्राइटनिंग प्राइमर, और ये प्राइमर भी ना मैंने यूज़ कर लिया एक्चुअली, मतलब मुझे चेक करना होता है कि एक्चुअली है क्या. अभी मैंने एक टाइम यूज़ कर लिया है एंड ये प्राइमर ना बहुत ही अच्छा है. मेरे पास ज़्यादा प्राइमर तो है नहीं, बट जितने भी प्राइमर्स हैं 1-2 जो प्राइमर है ना, ये बेसिकली प्राइमर क्या करता है, बाकी प्राइमर्स होते हैं जो आपके फेस के पोर्स को हाइड करते हैं, ये आपके फेस के पोर्स को ब्लर तो कर रहे हैं, बट साथ ही साथ ही जब आप प्रेप करते हैं अपनी स्किन तो आपके टेक्सचर में थोड़ा सा ना ग्लो इफेक्ट दे रहे हैं, तो विच इज़ रियली गुड. मेकअप अप्लाई करते समय ग्लो इफेक्ट देने के लिए हमें बहुत सारी ल्यूमी क्रीम्स या बहुत सारी वो ग्लोइंग फेस सीरम अप्लाई करना पड़ता है. तो आई थिंक दिस प्राइमर ये बहुत दोनों काम कर रहा है, तो ये मुझे अच्छा लगा एक्चुअल में, और ये मैंने एक ही बार यूज़ किया. नेक्स्ट आइटम आई हैव दिस एंड वाई बे ब्यूटी ब्लेंडर. वैसे तो मेरे पास दो ब्लेंडर हैं, सेम इज़ इन ब्लू कलर ऑफ मैक्स, मैंने वही यूज़ किया है. ये भी सेम स्पॉन्ज है, दिस इज़ ऑल्सो द सेम स्पॉन्ज. यहाँ पे मैंने मंगवाया है ब्लू हेवन का ब्रो परफेक्ट आईब्रो पेंसिल. एज यू कैन सी हियर, ये ना इसके साथ एक स्पूली के बैक साइड में ना आपको ब्रो पेंसिल है, मतलब इज़ इन डार्क ब्राउन शेड. तो मुझे ये मंगवाना था. अप टर्न आ गई है माय लास्ट आइटम जो मैंने मंगवाई है, जिसका काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही हूँ उसको ओपन करने का. ये डब्बा है, ये देखो पर्पल का डब्बा, ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, सो इसे ओपन करते हैं पहले. फर्स्टली यू कैन सी इट कि ये है क्या, क्या प्रोडक्ट है जो हाइप पे गया, बहुत ही वायरल गया है. दिस इज़ बेसिकली द स्काई हाई Maybelline mascara which is in waterproof form. So ये बहुत ही हाइप पे गया है और ये मैंने आइटम मंगवा लिया फर्स्ट टाइम. सो अभी तो मैंने आपके सामने ये डब्बा खोला है, तो अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया. लेट मी ओपन इट. मुझे ना एक स्पेसिफिकली एक शॉर्ट वीडियो बनाना था स्पेशली इस
मस्कारा पे, तो मैंने इसलिए मंगवाया, मुझे इतना क्रेज नहीं है। देख लेते हैं कि एक्चुअल में है कैसा, मतलब देख तो सके सकते हैं ना, अभी यूज़ तो नहीं मैं ऐसे करूँगी, बट देख सकते हैं ना। लाइट पिंक कलर की है बॉटल एंड स्काई हाई इस पर लिखा है मेबेलिन, तो इसे ओपन भी कर लेते हैं। बोलते हैं कि इसका वॉन्ड नाम बहुत ही वो है, क्या बोलते हैं, ओह माय गॉड सीरियसली, ये वॉन्ड की वजह से ही इसका नाम स्काई हाई डाला गया है। लुक एट द पिगमेंटेशन ऑल्सो, मतलब ये रियली ना जेट ब्लैक है, ओ माय गॉड, बट ये बेंड हो गया, क्वाइट इम्प्रेसिव। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, यही आइटम मैंने मंगवाई थी अपनी होली पर्पल सेल से, द सेल इज लाइव नाउ। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू रियली लाइकड माई वीडियो सो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ये सब आइटम्स मैंने जो भी मंगवाया है ना, इन्हें पर्टिकुलरली मुझे अपने शॉर्ट्स में अप्लाई करना है। आप को अगर यू रियली वॉन्ट टू सी कि ये आइटम्स और कैसे गया है, सो यू कैन श्योरली सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ या शॉर्ट अपलोड करूँ तो आप ये देख सकें। दैट्स इट, जय श्री राम।